यार हर व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ज़्यादा पकाऊँ नहीं, थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ रिकॉर्ड करूँ। ओके एंड अभी आप लोगों को घाट में देखने को मिलेगा सूप वगैरह सजावट एंड घाट का, जैसे कि जो भी जैसे सजावट वगैरह होता है वो सब चीज़ आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक, तो गंगा घाट लेके जाऊँगा अभी, ठीक ना, और वहाँ पे सूट करूँगा डलिया वगैरह उठाने के बाद। सो गाइस हमने स्नान भी कर लिया है फिलहाल एंड अभी फ़िलहाल मैं छत पर हूँ जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड मैंने स्नान भी कर लिया एंड कपड़े भी पहन लिए ताकि मैं व्लॉग बना पाऊँ एंड आज मैंने जल्दी स्नान किया। जैसे कि अभी बजे होंगे आई थिंक 3, तो अभी फ़िलहाल पकवान वगैरह बन रहे होंगे एंड सूट सब धोया जा रहा होगा और सजाया जा रहा होगा। सो मैं अभी हल्का सा घर का ब्लॉग बनाता हूँ, जैसे कि क्या क्या बना हुआ है एंड क्या क्या बन रहा है। घाट तो प्रिपेयर्ड हो चुका है आई थिंक, क्योंकि अभी कुछ देर पहले चंदा कलेक्ट करने के लिए आए हुए थे। सो मैं चलता हूँ अपने घर में, जैसे कि नीचे अभी तो फ़िलहाल मैं छत पर हूँ तो नीचे जाऊँगा एंड आपको वहाँ सूट करके हल्का दिखाऊँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड आई होप आप लोग पसंद करोगे। फिलहाल गाइस मैं रूम में हूँ अपने रूम में एंड चलता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा पहले सूट करके दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे डलिया उठाना पड़ता है शर्ट में। जाता हूँ एंड क्या क्या हो रहा है वो आप लोगों को दिखाता हूँ एंड यहाँ पे बर्तन घसा जा रहा है क्योंकि मेरी छोटी बहन है वो बर्तन घस रही है एंड यहाँ रूम पे बैठा हुआ है एक मेरा भाई राम आशीष नाम है। ये रहा मेरा चापागल, इस गरीब का सस्ते यूट्यूबर का ये रूम, बकरी दिख रहा है एंड चलता हूँ आगे बढ़ता हूँ, सबको बताऊँ कि वीडियो कॉल कर रहा हूँ बट होगा रिकॉर्डिंग। आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे ये रहा आंटी जी का रूम जिसमें टीवी देख रहा है ये लड़का, तो का दिमाग मस्त है ये चेहरा छुपा रहा है ये सूप वाले। एंड ये मेरी बुआ जी है जो कि बैठी हुई है चेयर लगा के एंड पकवान आई थिंक बन चुका है। सो वीडियो कॉल एंड यहाँ पर सारा सूप भी सज चुका है एंड सूप का सजावट भी देखिए आप, इसमें पकवान वगैरह अच्छे से रखे हुए हैं सजा के, मीन्स अच्छे से भी सजाया नहीं गया है, मीन्स डलिया के साथ सजाया जाएगा डलिया में एंड ये आपका पकवान वगैरह प्रिपेयर हो चुका है, ये नारियल का। सो अभी गाइस मेरे घर में एक बड़ी बुआ है तुलसीपुर से आई हुई है, ठीक पास में पड़ता है, तो बड़ी बुआ जी आए हुए हैं एंड उसके बाद फूफा जी एंड तो उनके लड़के वो भी आए हुए हैं साथ में एंड सो गाइस इस बार मैं दलिया नहीं खाने वाला हूँ, ठीक। तो मीन्स इस बार जैसे प्लानिंग हुआ कि भैया उठाएंगे दलिया एंड अंकल, सो बड़ा वाला दलिया जिसमें कि लगभग 7 सूप होगा तो वो अंकल उठाएंगे एंड जिसमें कि 6 सूप होगा 4 सूप हो वो बड़े भैया उठाएंगे। वीडियो में जो मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रहा उसके कारण होता है क्या कि बहुत कोई सब्सक्राइब करने के बाद भी अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। सो गाइस बताना चाहूँगा इस जगह कि मैं कंटिन्यू तो रहूँगा पूरे लाइफ टाइम वीडियो में और वीडियो बनाऊँगा तो किस चीज़ पर, जैसे कि मेरा ब्लॉग रहेगा एंड जो भी जैसे कि मेरे लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। देन उसके बाद अगर जैसे कुछ मैं बुक पढ़ा या बुक समरी वगैरह तो ये सब एंड और भी बहुत कुछ माइंड में चल रहा है लेकिन वो रिवील नहीं करना चाहिए हालांकि पहले क्या पता ना हो, तो इसलिए आने वाले टाइम में रिवील करूँगा कि मैं जैसे और भी किस चीज़ के रिगार्डिंग ब्लॉग मीन्स वीडियो वगैरह बनाऊँ। अभी तो फिलहाल जैसे कि ब्लॉग बुक समरी एंड मेरे लाइफ क्या
कैलेंडर हर एक तारीख को बदलता है, पर एक तारीख ऐसी भी आती है जो हर एक कैलेंडर को बदल के रख देता है। आ रहा है एक मेरा भाई कन्हैया, ठीक। ये भी डलिया उठा चुका है जो कि काफ़ी भारी भरकम है, एंड ये अब आगे बढ़ रहा है घाट की ओर। तो चलिए आप लोगों को अब घाट लेके जाता हूँ, ठीक, मार्केट से होते हुए। तो यार अभी हम लोग मार्केटिंग कर चुके हैं, ये सभी कोई आगे आगे जा रहा है, एंड ये मार्केट का बीच चौड़ा हनुमान मंदिर पास हम लोग पहुँच चुके हैं। आप देखो मार्केट में कितनी भीड़ है, सारे छठ के लिए ही जा रहे हैं, एंड ये अभी केबिन गिरा हुआ है, एंड अभी ट्रेन क्रॉस करेगी, एंड सभी कोई रुके हुए हैं। ढाका खुल चुका है, देन उस पर हम लोग अब क्रॉस करके जा रहे हैं। ये देखो आप, सो यार इस जगह से हम लोग नीचे उतरते हैं, देन उसके बाद हल्का आगे बढ़ के ये देखो आपका बैनर वगैरह लगा हुआ है छठ पूजा के रिगार्डिंग, और यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे गंगा घाट, एंड वहाँ पर भी आप देखोगे काफ़ी सजावट वगैरह होगा, एंड काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस हम लोग आप पहुँच चुके हैं यहाँ घाट पर, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, एंड काफ़ी खूबसूरत सजावट वगैरह भी। सो घाट वगैरह काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, तो आप कितना मस्त सीन है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर जंपिंग वाला एक झूला भी लगा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते। आंटी ये सब अभी वेट कर रही है घाट पे उतरने के लिए, कुछ देर बाद सभी कोई उतरेंगी घाट से नीचे, एंड ये देखो आप लोग सभी कोई कि बहुत कोई आए हुए हैं। अभी एक मामा जी मुझे मिले, देन उसके बाद बहुत दिनों बाद मैं मिला हूँ मामा जी से। सो अब चलिए मैं दिखाता हूँ अगला और सभी का घाट, एंड और सबका घाट चलिए घूमते हैं कि और सभी का घाट कैसा कैसा बना हुआ है। इधर देखो प्रशांत, हाँ